Hi everyone, this is me, Anand झा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं IQ Lead के कोर्स के साथ आऊंगा. एग्जैक्टली मैं IQ Lead के कोर्स के साथ नहीं आऊंगा, मैं एक और कोर्स लेके आया हूँ आपके साथ, UPCET, यानी UPTU Lead और AKTU Lead के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है. सो पिछले साल क्या था, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर UPTU Lead पे भी कोर्स बनाओ, तो मैं इन दोनों लीड के लिए लेके आया हूँ, IQ और UPTU Lead, ठीक है. एक एक करके इन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या कोस्ट है, डिटेल क्या है कोर्सेज के बारे में, कैसे क्या सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, हमें एमआरसी क्यों सेलेक्ट करना चाहिए और हमारी कम्युनिटी कैसे बनेगी, सारी चीजों पे वन टू वन बात करेंगे. सबसे पहली बात प्राइस पे बात करते हैं, ठीक है भाई. जो प्राइस है, जो IQ Lead का प्राइस है वो 2000 रुपीज है, जो UPTU Lead है या UPCET बोल दीजिए इसका भी प्राइस 2000 है. लेकिन अगर आप इन दोनों लीड की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 पे करना है. गाइस देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं कोर्स लेके आऊंगा और मिनिमम प्राइस में लेके आया हूँ. मिनिमम प्राइस मतलब मैंने मार्केट से 90% कम प्राइस पे लेके आऊ. मार्केट में 10+ प्राइस चलता है, मतलब 10,000 से ज्यादा का. आप पता कर सकते हैं फोन कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में जो लीड की तैयारी करवाते. और वो दोनों ही लीड के कोर्सेज का प्राइस, यानी आईपी और यूपीटीयू, अगर वो प्राइस 3000 में पढ़ा दे तो अलग ही बात है, ठीक है. सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है. 2000-3000 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है जब आप इन दोनों लीड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है. सो प्राइस पे मैं उतना ज्यादा चर्चा करूंगा भी नहीं, ठीक है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये प्राइसेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो इस पे मैं कुछ आपका ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं भी करूंगा. क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा है. जो टीचर्स है मुझे उन्हें पे करना पड़ेगा, वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, उस पर बहुत ही ज्यादा खर्चा लगना है. और ये नहीं है कि मेरे पास अराउंड 50,000 बच्चे इनरोल करेंगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा. इस लीड की तैयारी करने वाले बच्चे ही 5,000-6,000 होते हैं, तो बहुत ही कम बच्चे इनरोल होते हैं कोर्स में. उस हिसाब से मुझे उन टीचर्स को पे करना, वेबसाइट मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ जाएगा. इस वजह से ये प्राइसेस की प्राइस इतनी है और मार्केट में इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा इनके प्राइसेस नहीं भी होने चाहिए. 2K-3K मिनिमम प्राइस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इन फ्यूचर में इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक. इसके अलावा आप अगर देखोगे कि भाई इतने प्राइसेस में मैं आपको क्या क्या सपोर्ट्स दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ 2000-3000 बहुत ज्यादा अमाउंट भैया मांग नहीं रहे, ठीक है. सो ये तो हो गया आपका कोर्स. इसके बाद करते हैं डिटेल ऑफ कोर्सेस, भाई कोर्सेज के अंदर क्या डिटेल है, कैसे क्या होने वाला है. सबसे पहली बात, जो हमारा कोर्स है वो इस टाइम लॉन्च हो चुका है, आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है. अब परचेज कैसे करना है, यानी वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे हम लॉगिन वगैरह करेंगे, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसे देख लेना. परचेज करने के बाद सबसे मेन प्रोसेस होता है परचेज करना, ठीक है. परचेज आपने कर लिया, परचेज करने के बाद अब हम कोर्स जो है, यानी आपकी जो पढ़ाई है वो कब स्टार्ट होगी, 22, ठीक है, यानी इसी मंडे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. यानी हमने आपको 1 वीक का टाइम दिया है बेसिकली कि आप 1 वीक तक इनरोल कीजिए, ठीक है. 1 वीक तक इनरोल करने के बाद आप देखोगे जब आप कोर्स परचेज कर लोगे उसके विद इन 24 आवर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिए जाओगे और आपके अकाउंट में कोर्स आ जाएगा. बट जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा मंडे से, तो 1 वीक का टाइम है आपके पास इनरोल करने के लिए, हर स्टूडेंट के पास. 1 वीक के बाद अगर वो इनरोल करते हैं तो भी कर सकते हैं, बट फिर उनको थोड़ी बहुत क्लासेस जो है वो प्री रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगे. बट अगर स्टार्टिंग से ही वो लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इसी वीक में इनरोल करना पड़ेगा. क्लासेस जो है वो मंडे से, ठीक है, 22 नवंबर से स्टार्ट हो जाना है. अब देखिए कैसे क्या रहेगा. सबसे पहला है लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड. लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, क्लासेस सारी लाइव होंगी. कहां पर होंगी, जूम पे लाइव होंगी. अब जूम पे लाइव क्लासेस लोगे. प्री रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया या कोई स्टूडेंट जो जॉब करता है या कोई स्टूडेंट जो उस टाइम क्लास नहीं ले पाया, तो वो क्या वो लाइव क्लास तो नहीं ले पाएगा, तो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा कि भाई प्रीवियस क्लास में हमें क्या पढ़ाया गया. इसके अलावा आपके कोई डाउट रह जाते, ठीक है, उन क्लासेस में आपका कोई डाउट रह जाता है कि भाई अब मैं लाइव तो नहीं ले पाया तो मैं सर से डाउट नहीं पूछ पाया, इसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो भी डाउट होगा आप हमें डाउट सपोर्ट पे भेजोगे. डाउट सपोर्ट क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है डाउट सपोर्ट, ठीक है, जहां आप डाउट पोस्ट कर दोगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वो डाउट जो है वो आपका
खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डाउट सपोर्ट। डाउट सपोर्ट पे हमने कुछ डाला नहीं क्योंकि ये तो बेसिक बात है, हमें डाउट तो आपके क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे आप लाइव लो चाहे आप प्री रिकॉर्डेड लो। फिर है क्लासरूम टेस्ट। प्रॉपर क्लासरूम टेस्ट होते ही रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ वो क्वेश्चंस करवाते जाएं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि आपका माइंड आगे के क्वेश्चन को कैच करने के लिए कैपेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फ्री टेस्ट सीरीज। हम जितने भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे इन तीनों ही कोर्सेज के लिए, जो टॉप थ्री कोर्सेज है आईपीयू, यूपीटीयू और आईपीयू प्लस यूपीटीयू, इन तीन कोर्सेज के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देंगे। ये तीन पे हम बाद में बात करते हैं। पहली बात, आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, जितने टेस्ट सीरीज आए फ्री। उसके बाद काउंसलिंग सपोर्ट, हम वो नहीं है जो आपको छोड़ देंगे आपके रैंक आने के बाद, नहीं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी चॉइस प्रिफरेंस कैसे भरना है, आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा इस रैंक के बेसिस पे। गाइस, एक चीज बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है कि हम कोर्स क्यों परचेज करें, हम क्यों कोचिंग लें, हम खुद से क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैंने हमेशा कहा आप खुद से ही करोगे, पढ़ाई आपको खुद से ही करनी है। चाहे मैं पिछले ईयर रैंक 5 आपको ला करके दिखाया हूं, चाहे आपको रैंक 11 ला करके दिखाया हूं, बट इसमें सबसे ज्यादा मेहनत स्टूडेंट की होती है। अगर वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, वो मेरा बात नहीं मानते, मैं उनको नहीं बोलता कि भाई एग्जाम को ऐसे अटेम्प्ट करना, उस चीज को वो फॉलो नहीं करते, तो ये इम्पॉसिबल जैसी बात थी। उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, इसी वजह से ये चीज संभव हो पाया, लेकिन उन्होंने वो जो फॉलो किया इसमें क्रेडिबिलिटी उनकी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप मेरे दिए हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, हम जो बताएं उसको पढ़ो, उस लिमिटेशन ऑफ सोर्सेस को पढ़ो। हम अनलिमिटेड सोर्सेस आपको नहीं देंगे, किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारे पास सोर्सेस की लिमिटेशन होनी चाहिए, यानी कि हर जगह से पढ़ रहे, वो सब चीजें ही इन कोर्सेज के माध्यम से आपको मिलेंगी। आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाती मिनिमम ऑफ टाइम में। ये सब चीजें होगी कि भाई हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, क्लासरूम टेस्ट होगा 24/7, डाउट सपोर्ट होगा, लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। प्राइसेस आपको मैंने बता दिए। इसके बाद ये तीन कोर्सेज जो मैं लेके आया हूँ, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कहते हैं कि भाई मैं खुद से तैयारी कर सकता हूँ सर, बट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है। तो मैकेनिक्स, जो कि इन दोनों ही लीड में पूछा जाता है, आईपीयू और यूपीटीयू दोनों ही लीड में आता है मैकेनिक्स, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों ही लीड में पूछा जाता है, तो इसका अलग से कोर्स है, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग दोनों है। इसके अलावा कंप्यूटर, जो कि दोनों ही लीड में पूछा जाता है, उसका सिंगल से कोर्सेज है। इन कोर्सेज में क्या है, ये प्री प्लस लाइव है। प्री प्लस लाइव का क्या मतलब है, इसके मैक्सिमम जो वीडियोज होंगे वो प्री रिकॉर्डेड होंगे, प्लस कुछ लाइव क्लासेस होंगे। कुछ लाइव क्लासेस मैं आप ये चाहता हूं कि ये स्टूडेंट इन सब्जेक्ट में इनको दिक्कत आ रही, तो मैं आपको इसमें भी लाइव आकर के आपको गाइड करूंगा कि हाँ भाई कैसी तैयारी चल रही है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या कर रहे हो। इसके अंदर क्लासरूम टेस्ट अवेलेबल होंगे, पर इनके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। अभी बता देता हूं, सिंगल कोर्सेज में आपको फ्री टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ मैकेनिक्स का कोर्स खरीदोगे टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, सिर्फ एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोर्स खरीदोगे टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्यूटर का खरीदोगे टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो पूरा आईपीयू लीड का कोर्स खरीदेंगे, या पूरा यूपीटीयू लीड का कोर्स खरीदेंगे, या आईपीयू प्लस यूपीटीयू का कंबाइंड कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। इनके लिए क्लासरूम टेस्ट हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपका लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड मैं लूंगा, लाइव और प्लस प्री रिकॉर्ड मोस्टली क्लासेस मेरे हिसाब से इसमें भी लाइव होंगे ही और प्री रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, इसके अंदर भी आपका रैंक अगर अच्छा आता है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ देंगे, बट इनके लिए टेस्ट सीरीज, क्लासरूम टेस्ट, प्री रिकॉर्डेड 24/7, डाउट सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई कैसे क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव कम कैसे करोगे, पेपर हार्ड आ गया तो क्या अप्रोच होगा हमारा। जैसे इस साल का पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड आ गया था, तो मैंने स्टूडेंट्स को वो अप्रोच बता रखा था पहले से कि एग्जाम हार्ड आएगा तो कैसे करोगे। दैट्स व्हाई मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स के रैंक जो है वो 500 से कम आए, ठीक है। सो ये बातें तो हो गई और आपको समझ में भी आ गया कि भाई हमारा कोर्स कैसे क्या होना है, कब स्टार्ट होगा, कैसे कैसे इनरोल करना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बात करते हैं सपोर्ट, हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा, हम कैसे आपको सपोर्ट देंगे। सबसे पहला, जब आप कोर्स परचेज कर लोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है, ठीक है। वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कोर्स परचेज करेंगे, उनका ग्रुप होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कैसे ज्वाइन होंगे, अब आपने जब वेबसाइट पे लॉगिन किया तो आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया, हो सकता है कि वो आपका व्हाट्सएप वाला कॉन्टैक्ट नंबर ना हो। आपको क्या करना है, अपने लिए एक काम करना है कि भाई आपको हमारे
हमें ईमेल करना है, ठीक है, कहां पे करना है, हमारे ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी क्या है, theamers7@gmail.com, ठीक है, ये हमारा ईमेल आईडी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें ईमेल करना होगा। क्या ईमेल करना होगा, आपको लिखना होगा आपका नाम, आपका नाम, आपने कोर्स परचेस कर लिया, कोर्स परचेस करने के 24/7 बाद आपके अकाउंट में आपका जो कोर्स है वो क्रेडिट हो जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम 24/7 अवेलेबल है, 24/7 से प्रॉमिस है, पहले ही आपका कोर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी पर्पस के लिए, आपको अपना खुद का श्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना, ये मेरा ईमेल आईडी है, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या आप मुझे डिस्कॉर्ड पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो, टेलीग्राम हो, सब पे आपको मुझे फॉलो करना। सो आप मुझे ईमेल करोगे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी एंड अपना व्हाट्सएप नंबर की, सर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर देना, जो वहां दिया है मैंने वेबसाइट पे वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ठीक है, हम मैच कर लेंगे विद इन 24 आवर, आपको हम व्हाट्सएप पे ऐड कर दें, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, या तो आप मुझे मेल कर देना या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, कोई ज्यादा टाइम लगना नहीं है, ठीक है, ये आपकी श्योरिटी के लिए है। तो ये तो हो गया भाई डाउट सपोर्ट के लिए कि भाई हमें सपोर्ट कैसे मिलना है, तो ये ईमेल आईडी। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है कोर्स परचेस करने में, सर मुझे नहीं पता मैं कैसे कोर्स परचेस करूं, ये दिक्कत आ गया, या मेरा पेमेंट करते टाइम ये दिक्कत आया, पेमेंट करते टाइम मोस्टली बोल रहा हूं कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि हमने पेमेंट का मेथड बहुत ही सिंपल रखा है रेजोल पे, जो बहुत ही सेफेस्ट पेमेंट मेथड होता है। आज के डेट में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज करती है, इसमें भी मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगा है, सो दैट्स व्हाई कि आपका पेमेंट खराब ना हो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके अलावा तब भी आपका पेमेंट अटकता है, कुछ नहीं करना है आपको, ये ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर देना, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट लेके कि सर ऐसा ऐसा हो गया, हम उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कि कोर्स कैसे परचेज करूं, पेमेंट कैसे करूं, या कुछ मुझसे बात करनी है, या मेरे स्टाफ से बात करनी है डायरेक्ट कॉल पे, तो आप क्या करोगे, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहा हूं, आपको क्या करना है कि सर मुझे कोर्स परचेज करना है, ठीक है, आपको बस लिखना है सर मुझे कोर्स परचेज करना है, मुझे इश्यू आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर ले, यानी आपको डायरेक्टली मुझे कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे क्या करोगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दोगे, किस पे, इंस्टाग्राम पे या इस ईमेल आईडी के थ्रू, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, लेकिन मैं आपका इशू देखूंगा कि इशू क्या है, कि आपको कोर्स खरीदने में दिक्कत आ रहा है, या आपका पेमेंट अटक गया, या क्या हुआ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टा पे या आप ईमेल आईडी पे अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, आपको क्या डाउट है उस हिसाब से हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आप कहीं पे भी मैसेज कीजिए, मैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ, रिप्लाई मिल जाएगा आपको, थोड़ा लेट मिले लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा, ये नहीं कहता हूँ आप मैसेज करोगे और हम तुरंत आपको मैसेज कर देंगे, नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा बट आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट के अलावा आपको हमें कहाँ कहाँ ज्वाइन करना है, आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट आप हमें इंस्टा पे ज्वाइन कर लेना और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना, और ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे दिया। डिस्कॉर्ड क्या है अगर नहीं पता, मुझे लगता है कि पता ही होगा, तब भी आप डिस्कॉर्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओगे। इसके अलावा सब चीजें आपको वही समझ में आ जाएगी कि डिस्कॉर्ड है क्या। फिर है वाई एमर्स, क्यों एमर्स, देखिए गाइस पिछले ईयर जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो इस उम्मीद से नहीं किया था कि इतना बेहतर रिजल्ट मैं ला करके आपके सामने रख दूंगा। सो इसमें बहुत ही ज्यादा क्रेडिट मेरे स्टूडेंट का है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा क्रेडिट मेरा है, बट मोस्टली क्रेडिट मेरे स्टूडेंट्स का है। लेकिन इस ईयर एग्जाम टफ होने के बावजूद उन्होंने इतना बेहतर परफॉर्म किया, रैंक 5, रैंक 11, रैंक 153, रैंक 87, मोस्टली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप देखोगे चैनल पे वीडियो भी आ रहे हैं, मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स की वीडियो डाल रहा हूँ जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, रैंक अच्छा आया लेकिन उनको ब्रांच अच्छा नहीं लग रहा कि भैया हमें एडमिशन लेना इस पर, ये ब्रांच नहीं मिल रहा, सीएसआईटी नहीं मिल रहा, तो क्या है, मैं क्या कर सकता हूं इस पे। देखिए जब 11 लाख या 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है, तो उसमें 150 रैंक लाना, उसमें 150 रैंक लाना या 1000 रैंक लाना, 5000 रैंक लाना बड़ी बात होती है, ठीक है, उसमें आपको आईआईटी मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जब जेईई एडवांस वगैरह दोगे अच्छे ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं, बट व्हेन
5000 स्टूडेंट यानी 5000 और 6000 बच्चे किसी लीड को एग्जाम देते हैं और उसमें आपकी रैंक 150 आती है जिसमें सीट भी बहुत कम होते हैं, तो इस 150 रैंक पे, 180 रैंक पे, 170 रैंक पे, 200 रैंक पे गाइस आईटी या सीएस मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको दूसरे ब्रांचेस में जाने भी नहीं है, तो उस हिसाब से फिर इश्यू होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोर्स लेना जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप अपने एक साल को बर्बाद नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भाई वाई इमर्स, इमर्स इसलिए क्योंकि हम कैपेबल है, हम मिनिमम प्राइसेस में आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, हम ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं जो कोई नहीं देता आज के डेट में, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, बस बात करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई वेबसाइट बनाना, खर्चा करना, टीचर्स होंगे एक्स्ट्रा, उनको पे करना जो आपके क्लासेस लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होना है, ठीक है। आपके सामने सब चीजें रहनी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करोगे सब आपको रियलिटी पता चलेगी, आप मुझसे ग्राउंड लेवल पे जुड़ोगे। आप आज के डेट में भी जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर कोर्स लिया था वो अभी भी मेरे साथ फाइनल टच में, अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी भी उनका एडमिशन करवा रहा हूँ, आप देखोगे उनकी वीडियोज अभी जो अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पे। सो इस तरीके से काम होना है। सो इमर्स इसलिए क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और कोई खड़ा होने वाला नहीं है, मैं खड़ा हूँ। इसके बाद सेकंड है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ये है कि गाइस देखिए, आज के डेट में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो भी पॉलिटेक्निक करते हैं उनके लिए लैक ऑफ सोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। मैं चाहता हूँ एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करना जिसमें हम तमाम इंडिया के उन डिप्लोमा होल्डर्स को कनेक्ट कर सकें, एक अपनी कम्युनिटी बना सके, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ हम भी कुछ करने के लिए कैपेबल हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ जॉब भी हमारे लिए ऑप्शंस नहीं होते, और जॉब में भी सिर्फ हमारे लिए 15,000-20,000 के जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए कोई क्यों नहीं रिसोर्सेस उपलब्ध कराता है, ठीक है। हम खुद के लिए लड़ेंगे, खुद के लिए फाइट करेंगे, खुद की कम्युनिटी बनाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं खड़ा हूं वैसे आपको भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए इन सब कोर्सेज को मेरे जो भी सपोर्ट है कि भाई डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, इस पे ज्वाइन करने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें बताओ मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। आप कोर्स लो या ना लो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेन मोटो ये है कि भाई हमें कम्युनिटी बनानी है। वो कम्युनिटी क्यों बनानी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जनरेशन आने वाले जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनके लिए सोर्सेस हम उपलब्ध करवा सके। इसके अलावा आईक्यू लीड या यूपीटी लीड के कोर्सेस हम यूट्यूब पे बंद नहीं करेंगे, मैं आता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, अगर आप उसको पढ़ के कैपेबल हो खुद सेल्फ स्टडी से तो जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा और आप इसे पसंद करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के बीच। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं कर पाओगे, मुझे ईमेल करना, इंस्टा पे मैसेज करना, कुछ भी दिक्कत आता है, वेबसाइट पे कैसे क्या परचेस करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आई बटन है उस पर क्लिक कर लेना, वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा द मेन थिंग इज व्हाट, जो भी बच्चे मेरे टॉप रैंकर्स होंगे, टॉप रैंकर यानी जो भी बच्चे मेरे टॉप 10 में आते हैं भाई, मैं उनकी फीस वापस कर दूंगा, चाहे उन्होंने कंबाइन लिया हो, चाहे उन्होंने आईपी का लिया हो, चाहे उन्होंने यूपी का लिया हो, कोई भी लिया हो, टॉप 10 वालों की फीस माफ है, मैं फीस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है कि भाई हाँ मैं चाहता हूं कि भाई किसी ना किसी स्टूडेंट को प्राइस तो देना चाहिए ना उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, इस साल भी दिया है, ठीक है। सो हर साल ही दूंगा, तो जो भी बच्चे टॉप रैंकर्स हैं उनकी फीस माफ हो, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से इस साल का स्कॉलरशिप है। इसके अलावा और भी कोर्सेज जो भी लॉन्च करने होंगे वो बीच बीच में मैं आपको करता रहूंगा, अवेयर करता रहूंगा, यूट्यूब पे आता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपको पसंद आएगा। जय हिंद।